वेलकम टू एनवी एजु क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, कैसे होता है, तो इसका हम आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मेन टॉपिक हमारा है आज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स जिसके जरिए अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खाना अपने आप बनाना, वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं। और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हीटरोट्रॉफिक्स होते हैं, यानी डिपेंड ऑन द ऑटोट्रॉफिक्स, यानी प्लांट्स पर अपना भोजन के लिए, फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तो अगर हम इस फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर ढंग से समझें तो क्या मतलब है फोटो और सिंथेसिस, यानी फोटोन। फोटोन का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। यानी इसका मेन काम हो गया या लाइट के हेल्प से अपना खाना बनाना, सिंथेसिस करना, फूड का सिंथेसिस करना लाइट की हेल्प से। तो डेफिनेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है कन्वर्जन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का ग्रीन पार्ट क्या है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोनिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना ही फोटोसिंथेसिस है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है वो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट में यानी सन से जो लाइट आती है उसकी हेल्प लेकर और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ये जो है C6H12O6 यानी ग्लूकोज या ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं और वाटर बनता है और इससे जो है वो ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और वही ऑक्सीजन जो है हम यूज़ करते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स इस अर्थ पर हैं वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। यानी प्लांट्स जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो एनिमल्स उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं प्लांट्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब मतलब एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। और वो अब किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं वो हम इसमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। अब ये तो हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसके रॉ मटेरियल हैं। अब ये रॉ मटेरियल जो हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं और वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी हेक्सोज शुगर बना देते हैं। हेक्सोज का शुगर का मतलब है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर हैं दोनों को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं और ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट। रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल क्या काम करता है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में? ये जो क्लोरोफिल है कहाँ पाया जाता है, इस चीज़ को और समझ लेते हैं हम। ये क्लोरोफिल की कहानी अब ऐसे समझते हैं, ये क्लोरोफिल होता है लीव्स में। ये एक प्लांट की लीफ का हमने ग्रीन लीफ का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये लीफ है। इस लीफ के अपर लेयर और लोअर लेयर इसमें जो है वो क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जो स्ट्रोमेटा होते हैं गार्ड सेल्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी जो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें, TS सेक्शन करके इस लीफ का हमने ये डायग्राम शो किया है, इस लीफ का TS सेक्शन में ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। इसकी जो अपर एपिडर्मिस है और ये जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन इसकी जो मिड पार्ट होता है जिसको कि हम कहते हैं मीजोफिल, मीजोफिल में क्लोरोफिल पाया जाता है।
अब ये क्लोरोफिल जो होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, ये जो मीजोफिल सेल्स होती हैं अधिकतर प्लांट्स में दो भागों में बटी हुई होती हैं, जिसको हम पैलिसेड और पेरेन्काइमा स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कहते हैं। जो नीचे वाला पार्ट हमने दिखाया है वो है पेरेन्काइमा स्पॉन्जी और दूसरा है ये पैलिसेड। ये हमने यहाँ पर इसको पैलिसेड एक सेल का यहाँ पर स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, ये एक पैलिसेड सिंगल सेल है, सिंगल पैलिसेड सेल जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो हमने ड्रॉ की है ये डिस्कॉइड शेप में क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एक प्लास्टिड होता है, यानी प्लांट का एक ऑर्गेन होता है, जैसे कि एनिमल के ऑर्गेन्स होते हैं इसी तरीके से प्लांट्स में भी डिफरेंट ऑर्गेन्स पाए जाते हैं जिसको कि हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड हमने डिस्कस डिटेल में कराए ही हैं आगे पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें ये जो होता है वो क्लोरोप्लास्टिक प्लास्टिड होता है जो कि ग्रीन पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लोरोफिल को एब्जॉर्ब कर लेता है यहाँ पर। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है इसको हमने अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये इस तरीके से दिखाई देगी। तो हमने ये पूरी ये दिखाया है, ये लीफ है, लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन किया तो इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके मीजोफिल पार्ट में ये जो है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट की ये जो मीजोफिल सेल्स हैं इसकी पैलिसेड सेल को एक सिंगल को दिखाया गया है और सिंगल पैलिसेड सेल में किस तरीके से यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की ये शेप होती है, इसको एनलार्ज करके अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक तो डबल मेम्ब्रेन आगे इसमें पाई जाती है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये हैं स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, इसमें एक्युमुलेट हो जाते हैं स्टार्च, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, और इस स्ट्रोमा में ही फोटोसिंथेसिस होती है। अब वो हम डिटेल में और बताएंगे, एक तो स्ट्रोमा में होती है, एक और होती है वो थैलेकोइड में होती है। अब ये स्ट्रोमा में ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स दिखाई गई हैं, इनको हम कहते हैं ग्रेना, और सिंगल सेल को हम कहते हैं ग्रेनम, और इस ग्रेनम जो होते हैं वो पाइल लाइक स्ट्रक्चर लैमिली पाई जाती हैं, ये लैमिली एक के ऊपर एक पाई जाती हैं, जब ये एक पाइल में इकट्ठी हो जाती हैं इसको हम कहते हैं थैलेकोइड। थैलेकोइड जो होती हैं आपस में एक दूसरे से फ्रेट चैनल से जुड़ी हुई होती हैं। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में वो दो जगह होती है, एक तो होती है स्ट्रोमा में, एक होती है थैलेकोइड में। स्ट्रोमा में जो होती है वो होती है डार्क रिएक्शन, और जो थैलेकोइड में होती है वो होती है लाइट रिएक्शन। अब ये थैलेकोइड का क्या काम है, ये जो थैलेकोइड है थैलेकोइड के अंदर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ से आ गए, अब इसको हम समझते हैं। ये जो क्लोरोफिल होता है, वहीं आ गए लौट के हम क्लोरोफिल पे। अब ये जो क्लोरोफिल जिसकी हेल्प से हम जो है वो फोटोसिंथेसिस में ये काम आता है, ये जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है विजिबल वाइट लाइट को। वाइट लाइट जो होती है सन की उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइट लाइट में कौन कौन से कलर्स होते हैं, वो होते हैं 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं। ये इसका हम फॉर्मूला बना देते हैं 7 कलर्स का विबग्योर के नाम से, फिर से रिपीट करते हैं हम, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 कलर्स होते हैं, ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो जो है विजिबल वाइट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्लोरोफिल जो होता है, और ये जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिन और जिंतोफिल को यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इसी की हेल्प से
इस पिगमेंट की वजह से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी, कैरोटिन और जिंथोफिल का फॉर्मेशन होता है और इन चारों को ही हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं जो कि थैलेकोइड में पाए जाते हैं। ये जो थैलेकोइड स्ट्रक्चर हमने बताई ये इसमें यहाँ पर पाया जाता है। तो ये तो हो गए पिगमेंट जिसकी वजह से ये विजिबल जो वाइट लाइट होती है वो एब्जॉर्ब होती है और क्लोरोफिल जो होता है वो उसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होती है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लीफ से किस तरीके से ये दिखाई देती हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट क्या क्या हैं, दो साइट हमने बताई, एक तो थैलेकोइड और दूसरा स्ट्रोमा, यानी दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होती हैं। सभी जितने भी प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, सभी में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और सभी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उन सभी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ जो है वो स्टेम में और लीव्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस अगर इन टू स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप इज लाइट रिएक्शन एंड सेकंड स्टेप इज डार्क रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप जो लाइट रिएक्शन की होती है वो थैलेकोइड में होती है, हमने अभी पहले बताया ही था, और सेकंड स्टेप डार्क रिएक्शन की वो स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रोमा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बाउंडेड बाई द टू मेम्ब्रेन, इनर एंड आउटर। अब लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई पी एस फर्स्ट एंड पी एस सेकेंड। पी एस का फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या मतलब है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, रिजल्ट इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमारा रॉ मटेरियल क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिली एटमोसफियर से। एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि एरियल प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनकी हेल्प से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है। अब कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जो उसकी सरफेस लेयर होती है उसके जरिए, क्योंकि उसमें स्टोमेटा तो होते ही नहीं है। अब जब स्टोमेटा नहीं है तो किस तरीके से वो एब्जॉर्ब करेगी, तो उसकी जो आउटर लेयर होती है, सरफेस होती है, उसकी हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है। अब एक्वेटिक प्लांट में कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, उसमें जो पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है उससे जरिए उसके वो ले लेते हैं। कुछ समुद्र में पाए जाने ओसिनिक प्लांट्स होते हैं उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी ही इतनी मात्रा में होती है जो कि इजीली वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो उनको एटमॉस्फेयर से मिल गई और किस तरीके से किस किन किन प्लांट्स में कैसे मिलती है ये हमने बता ही दिया। अब ये सेकेंड हमारा कंपोनेंट है वाटर। अब ये जो वाटर होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है पौधों को हम जब पानी लगाते हैं या बारिश का पानी किसी तरीके से जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं ये वही पानी होता है। इस वाटर का फोटोलाइसिस हो जाती है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इस वाटर का, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। अब अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो जो पानी पौधे एब्जॉर्ब करते हैं उस पानी से ही ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, यानी उसको फोटोलाइसिस हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट की वजह से इस वाटर मॉलिक्यूल का जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये ऑक्सीजन निकलती है। अब ये किस तरीके से निकलती है ये हम समझते हैं कि जो इसका वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो हुआ वो फोटोलाइसिस जब होती है तो ये ब्रेक हो जाता है प्रोटोन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। H प्लस को बोलते हैं, एच आयन को हम बोलते हैं प्रोटॉन, और E माइनस यानी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई। ये जो प्रोटॉन है ये पहले इलेक्ट्रॉन समझ लें, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है
कैरिड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फाइनली रिड्यूस एनएडीपी आयन एंड एनएडीपी आयन से एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन के से ही कैरिड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फाइनली रिड्यूस, तो ये एनएडीपी आयन को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर मॉलिक्यूल के फोटोलाइसिस से जो बनता है, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का काम। अब ये जो प्रोटॉन बना, ये जो प्रोटॉन इन्वॉल्व इन द फोटोफास्फोरिलेशन, फोटोफास्फोरिलेशन में ये इन्वॉल्व होता है और इसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज होती है इसमें। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन में हमको दो एंड प्रोडक्ट मिले, NADPH और ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH की फुल फॉर्म होती है निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये दो हमारे एंड प्रोडक्ट मिले हमको लाइट रिएक्शन में, जो कि थैलेकोइड में होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने थैलेकोइड बताई है उसमें, अब ये जो, ये तो कंप्लीट हो गई हमारी जो है लाइट रिएक्शन। दूसरे जो स्टेप कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का, वो है डार्क रिएक्शन, जो कि होता है स्ट्रोमा में, यानी क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें कंप्लीट होता है। ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होता है, यूटिलाइज ये जो इसके एंड प्रोडक्ट हुए लाइट रिएक्शन के, NADPH और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। दिस साइकिल प्रोसेस इज नोन एज केल्विन साइकिल। यानी लाइट रिएक्शन से जो हमको मिला उसका जो होता है वो फिक्स कर देता है उसको, NADPH एंड ATP टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, इसको कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने में हेल्प कर देता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और इसके फोटोलाइसिस से जो भी बना इसकी मदद से, वो केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। अब ये केल्विन साइकिल जो है, केल्विन बॉटनिस्ट हुए, उन्हीं के नाम पर इस साइकिल का नाम रख दिया केल्विन साइकिल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 राइबोज बाइफॉस्फेट प्लस 18 ATP और 12 NADPH मॉलिक्यूल्स मिलकर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल प्लस सिर्फ 6 राइबोलोज प्लस 18 ADP प्लस 18 PI प्लस 12 NADP आयन बनाते हैं। यानी ये केल्विन साइकिल है, और केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला है, ये इसका ये फॉर्मूला है, और इसमें ये एंड प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या बनते हैं, ग्लूकोज और ADP और NADP आयन, ये जो बनते हैं। यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड इसमें यूज होती हैं, उनके उनसे मिलकर एक ग्लूकोज बनता है, यानी हेक्सोज बनता है। अब हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं जिससे कि हमें पूरी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हुआ, ये जो लाइट है वो यहाँ पर, ये हमने थैलेकोइड है, ये थैलेकोइड और ये स्ट्रोमा, यानी लाइट रिएक्शन और ये डार्क रिएक्शन को शो किया है हमने। और ये क्लोरोप्लास्ट एनवलोप है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक हमने फ्लो डायग्राम बना लिया फोटोसिंथेसिस समझाने के लिए, फ्लो डायग्राम बनाया है। ये क्लोरोप्लास्ट का एनवलप हो गया, थैलेकोइड में लाइट रिएक्शन हो रही है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है। जो लाइट रिएक्शन थैलेकोइड में है, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, जो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो होता है, और ये जो हमने मिट्टी मतलब पानी जो लिया एटमॉस्फियर से, जो एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, उस पानी से ही ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई। और ये जो लाइट के जरिए थैलेकोइड में जो पिगमेंट हमने बताए थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिन और जिंथोफिल, इन पिगमेंट की हेल्प से ये जो थैलेकोइड में जो क्लोरोप्लास्ट मिला था और ये पिगमेंट थे, उनकी वजह से NADPH और ATP बने, जो कि लाइट रिएक्शन में हमने बताए थे कि यहाँ बन गए। और ये जो NADPH और ATP जो हैं, वो केल्विन साइकिल, ये जो हमने साइकिल बनाई और वो होती है कंप्लीट इन स्ट्रोमा, और उससे हेक्सोज शुगर,
स्टार्च और सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट बनते हैं जो कि यूज़ हो जाते हैं मेटाबॉलिज्म में, प्लांट्स के मेटाबॉलिज्म में, यानी इनटू सेल मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर से एक बार समझ लेते हैं हमने क्या बताया पूरा। न्यूट्रिशन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं और अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के जरिए अपना खाना बनाते हैं, जिसमें कि जो इनके रॉ मटेरियल होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ये ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर बनता है और इसी से हमको ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि एटमॉस्फियर में मिक्स हो जाती है और एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ग्लूकोज जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो कुछ पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पिगमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं जो कि इसके थैलेकोइड में पाए जाते हैं, थैलेकोइड में ही बनते हैं। ये हमने पूरा स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से पत्ती से में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, कौन से पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज़ लाइट रिएक्शन, सेकंड इज़ डार्क रिएक्शन। फर्स्ट जो है लाइट रिएक्शन है उसमें वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, फोटोलाइसिस हो जाता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो NADPH और ATP बनते हैं। ATP मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और NADPH का मतलब है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये जो 2 एंड प्रोडक्ट होते हैं इनकी मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, वो बनता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और ये स्ट्रक्चर हमने पूरा समझा ही दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया है इससे पिछले वीडियोस का, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में आप इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को शेयर करें, उनसे मिलकर जो है आप ग्रुप स्टडी करें, आपस में समझें, एक दूसरे से क्वेश्चन पुट अप करें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू। और बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है, आप अगर नहीं उसको प्रेस करेंगे नहीं तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो होती हैं, जो लेक्चर हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू।